वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एग्जाम्स। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। रूट फाइव को एक अपरिमेय संख्या बताना है। सिंपली अगर हम लोग अपरिमेय संख्या को डिफाइन करना चाहेंगे तो वैसी संख्या है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर कोई भी नंबर ऐसा नंबर हो जो डेसिमल के बाद चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ना और रिपीट करे और ना कभी खत्म हो, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या है 1.23 4 3 2 1 3 4 3 2 5, कुछ भी बिना किसी ऑर्डर का ये चलता ही रहे, ना तो ये रिपीट करे और ना ही जाकर कहीं रुके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम रूट फाइव निकालना शुरू करेंगे तो इसका जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स आएंगे वो आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, ना तो कहीं भी रिपीट करेगा, सेम नंबर कुछ इंटरवल में रिपीट करना चाहिए वो भी नहीं करेगा, और डेसिमल के बाद वो चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, जिसे हम लोग पी बाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिद्ध करना है रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑपोजिट मान लेते हैं। ऑपोजिट में क्या माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। अभी मैंने बताया था कि अपरिमेय का मतलब पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जब हमने इसको परिमेय मान लिया तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए हम इसको लिखते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है तो रूट फाइव इक्वल्स टू हो जाएगा पी बटे क्यू, वेयर क्यू क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जो भी हर के रूप में रहेगा वो जीरो नहीं हो सकता है। तो ये अगर परिमेय संख्या है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक चीज यहाँ पर और एक चीज बात जो ध्यान देने वाली है, पी और यू क्या है, यहाँ पे को प्राइम नंबर मतलब सौ अभाज्य संख्याएं होती है। इस फॉर्म में लिखने पर पी और क्यू क्या होगा, सह अभाज्य संख्याएं हैं। दैट इज दोनों का जो एच सी एफ होगा पी और क्यू का, वो क्या होगा, वन होगा, तभी सहभाज्य संख्याएं होंगे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको इसके जो कुछ नहीं है तो वन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी इक्वल्स टू रूट फाइव क्यू। पी इक्वल्स टू क्या आ गया, रूट फाइव क्यू। और जब इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं वर्ग करने पर, जब हम इसका वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू पाई क्यू स्क्वायर। रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे पाई हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि पी स्क्वायर को यहाँ पर फाइव इंटू क्यू स्क्वायर, हम लोग जो यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, इस फॉर्म में हम लोगों ने देखा था ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मान लीजिए आर अगर जीरो हो जाए तो खत्म हो जाएगा, तो इक्वल्स टू बी इंटू क्यू हो जाता है, तो यहाँ पर कोसेंट होता था और भाजक होता था, यानी कि ये दोनों को गुना करने पर इतना प्राप्त होगा। तो अगर इन दोनों को गुना करने पर इतना प्राप्त होगा तो पाँच से अगर हम भाग लगाएंगे तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है पाँच जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, डिविजिबल होता है, कौन, पी स्क्वायर, किससे, पाँच से। यहाँ पर हम लिखेंगे पी स्क्वायर पांच से डिविजिबल हो रही है, यहाँ पे विभाजित हो रही है, ठीक है। अगर पी स्क्वायर पांच से डिवाइड होता है तो पी भी क्या होगा, तथा पी भी पांच से विभाजित हो रही है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पर दिख रहा होगा पी स्क्वायर पांच से डिवाइड हो रहा है तो पी भी क्या होगा, पांच से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। अब हम अगला मानते हैं, क्या
क्या मानेंगे, यहाँ पर जो रूट फाइव रहेगा तो रूट फाइव ही लेना है, या फिर जो भी रहेगा हमको उतना उसी हिसाब से लेना होता है। तो यहाँ पर ले लेते हैं पी कॉस्ट, हम कुछ पुट करते हैं 5 m रखने पर, किस में रखेंगे पी बराबर 5 m एक में, यहाँ पर समीकरण हमने माना था में रखने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे तो 5 m रखेंगे यहाँ पे, इसका वर्ग होगा इक्वल्स टू यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर है, तो p के जगह पर हमने क्या किया 5 m रख दिया, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 m² 5 यहाँ पर 25 हो जाएगा। पच्चीस एम स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 5 q² इम्प्लाइज दैट q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये q² यहाँ पे है तो 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, दैट इज ये कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 5 m² यहाँ पर देख सकते हैं q² बराबर क्या हो जाएगा 5 m², यहाँ पर मैंने देखा था p² बराबर क्या हुआ था 5 q² इस बार यहाँ पे क्या हो रहा है q² बराबर 5 m², दैट इज यहाँ पे क्या मालूम चल रहा है कि यहाँ पर क्यू स्क्वायर भी जो है 5 से विभाजित हो रही है, यहाँ पे भी लिखेंगे सेम कंडीशन q² 5 से विभाजित हो रही है तथा क्यू भी 5 से क्या होगी विभाजित होगी। अब अगर P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है तो P और Q का RMSF निकालेंगे, इसलिए therefore HCF of P and Q क्या आ जाएगा 5 not 1, यानी कि HCF जब दोनों को निकालेंगे 5 से P भी कट रहा है 5 से Q भी कट रहा है और दोनों का जब हम लोग HCF निकालेंगे तो क्या निकलेगा 5 आएगा, और जो कि नॉट इक्वल्स टू 1, या जो कंडीशन था एक परिमेय संख्या होने के लिए उस कंडीशन को यहाँ पर क्या कर रहा है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या फिर विरोध कर रहा है। इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, अतः अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है आंसर। ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से सब सॉल्व करते हैं, अलग तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट और सबसे इजी और एग्जांपल मतलब इजी वे में जो सॉल्व कर सकते थे वो हमने करके बताया कि रूट फाइव जो है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय किसको बोलते हैं, वैसी संख्याएं जो ना रिपीट करता हो ना जिसका डेसिमल जो है शांत हो, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आएंगे वो आते चले जाएगा कभी शांत नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे अशांत यानी कि अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 1.3 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था कि रूट फाइव क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर रूट फाइव अपरिमेय संख्या है तो हम किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ देंगे, कुछ घटा देंगे या कोई नंबर से गुना कर देंगे तो क्या रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। इसको भी प्रूफ करना है तो चलिए देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 + 2√5 दिया हुआ है यहाँ पे, और इसको प्रूफ करना है कि क्या है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे इसको माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p बाई k के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसलिए 3 + 2√5 इक्वल्स टू p बाई k के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं।
परिमेय संख्या है, तो पी बाई के का फॉर्म में होगा वर की नॉट इक्वल्स टू जीरो, और पी और क्यू क्या होगा, को प्राइम्स नंबर होंगे। को प्राइम्स नंबर क्या होता है मैंने बताया था, दोनों का एस एफ वन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी से सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ पर जो थ्री है राइट साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टू रूट फाइव इक्वल्स टू फाइव बाई क्यू माइनस थ्री। और यहाँ पर टू मल्टीप्लीकेशन में है, इस बार आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा पी बाई टू क्यू माइनस थ्री बाई टू। तो रूट फाइव इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि रूट फाइव क्या है, इससे पहले हमने प्रूफ किया था कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, रूट फाइव क्या है, अपरिमेय संख्या, हमने इससे पहले प्रूफ कर चुका है। और बराबर क्या बता रहा है यहाँ पे, एक परिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या बराबर है किसके, एक परिमेय संख्या की, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे पी वाई के फॉर्म में है। यहाँ पर रख सकते हैं इस पूरे को, अगर हम बड़ा पी मान लें तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा क्यू मान लेते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, यानी कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में कभी भी संभव नहीं है। दैट इज, अतः थ्री प्लस टू रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है आंसर। एक्सरसाइज 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, यानी कि यहाँ पर तीन संख्याएं दिया हुआ है, 1/√2, 7/5 और 6+√2, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला नंबर हल निकालते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्या साबित करना है, सिद्ध करना है, तो हम लोग मान लेते हैं सेम, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, क्यू इंटू वन, क्यू इक्वल्स टू पी रूट टू, या फिर रूट टू पी कर लेते हैं। अब इम्प्लाइज दैट फिर से पी को इस पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू बाई पी इक्वल्स टू रूट टू। रूट टू क्या हो गया यहाँ पे, कोई भी नंबर जब रूट के फॉर्म में हम लोग जानते हैं, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो फिर से क्यू बाई पी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, कोई भी धन ऋण के बराबर नहीं हो सकता है, कोई भी एक, ऐसा बोल सकते, एक दो के बराबर नहीं हो सकता है, एक एक के ही बराबर रहेगा, दो दो के ही बराबर रहेगा। तो परिमेय संख्या के बराबर ही रहेगा, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर रहेगा, जो कि परिमेय बराबर अपरिमेय क्या है, संभव नहीं है। अतः 1/√2, यानी कि अतः रूट टू क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, इसलिए इसलिए 1/√2 भी क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे।
क्या दिया हुआ है, 7, रूट 5 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, तो जब परिमेय संख्या होगा इसलिए क्या हो जाएगा, 7 रूट 5 परिमेय संख्या अगर है तो पी बाई के को फॉर्म में होगा जहां पर क्यू नॉन जीरो होगा। अब इसको क्रॉस क्रॉस तो नहीं, 7 को हम लोग क्या करेंगे राइट भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 7 क्यू। और हम लोगों को पता है रूट फाइव क्या है, रूट फाइव इज अ इज एन इरेशनल नंबर, तो जब ये इरेशनल नंबर है और यह रेशनल नंबर है तो फिर दोनों बराबर कैसे हो सकता है, यहाँ लिखेंगे फिर से, यहाँ पे हो गया ये और परिमेय और इधर हो गया परिमेय संख्या जो कि असंभव है, असंभव है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट फाइव अपरिमेय है, अतः 7 रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, 6 प्लस रूट 2। मान लिए कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है देन दिस विल बी इक्वल्स टू इन दिस फॉर्म वेयर पी इज नॉन जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे 6 को राइट ले जाएंगे, तो 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस 6। अब हम लोग क्या पता है ये हो गया अपरिमेय संख्या, रूट टू क्या है अपरिमेय इक्वल्स टू परिमेय विच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं है, असंभव, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर विरोधाभास है, असंभव है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर मालूम चल गया कि रूट टू क्या है अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में किसी भी नंबर को जोड़ देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, अतः लिख सकते हैं यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 और परिमेय संख्या है। आंसर। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले एक्सरसाइज में नए वीडियो के साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।